रंजन जी यहां मौजूद हैं। कल रात से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से और आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से ये ज्ञात हुआ है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने हम चार कांग्रेस के नेताओं पर निलंबन की कार्रवाई की है। सबसे पहले तो इसके सत्यता के जांच के लिए हम लोगों ने उनको पत्र आज लिखा है कि ये इसके जो समाचार पत्रों में या जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो चीजें बाहर आ रही है इसमें कितनी सच्चाई है और इसमें कितनी सत्यता है। दूसरी बात, आप सबों के सामने हम लोग लगातार कहते आ रहे हैं कि जो वर्तमान परिस्थिति है कांग्रेस पार्टी के अंदर में, जो हमारे पूर्व के प्रभारी रहे हैं आरपीएन सिंह जी, उनके द्वारा जो बनाई गई टीम थी उसको लेकर के हम लोगों ने सवाल उठाया था। उसके बाद पिछले दिसंबर माह में 2022 में जिला अध्यक्षों की घोषणा हुई, प्रदेश कार्य समिति की घोषणा हुई, राज्य के लगभग 2400 जिले में इसको लेकर के आवाज उठाए गए, विरोध प्रदर्शन हुए, क्योंकि एक लंबी प्रक्रिया के बाद पदाधिकारियों का और अध्यक्षों का चयन हुआ था और उसमें कई चीजों को दरकिनार किया गया था। आप सभी इस बात से अवगत हैं। सो कॉज नोटिस हम लोगों को दिया गया था, हम लोगों ने अनुशासन समिति से समय की मांग की थी, हम लोगों की मांग को अस्वीकार करते हुए सीधे तौर पर हम लोग अनुशंसा किया गया था कि हम समय नहीं दे सकते हैं। ये सारे सभी चीजें समाचार पत्रों के माध्यम से ही हम लोगों को ज्ञात हुआ। पिछले 18 तारीख को, 22 तारीख को मुझे दिल्ली गए थे हम लोग। लगभग झारखंड के सभी जिलों से 50 समर्पित कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हम लोग दिल्ली गए थे, जो राज्य के वर्तमान में कांग्रेस के हालात हैं, और हम लोग अपने सुझाव के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष को अपनी भावनाओं से अवगत कराना चाहते थे, जहां हम लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई और उन्होंने अपने उनके कार्यालय के जो प्रशासन देखते हैं, राज्यसभा के सांसद हैं डॉक्टर नासिर हुसैन साहब और गुरदीप सप्पल जी को उन्होंने अधिकृत किया था हम लोगों से बातचीत करने के लिए। हम लोगों ने अपनी भावनाओं से पूरी तरह से उनको बताया था, उनको अवगत कराया था और कांग्रेस के भविष्य के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए इसका सुझाव भी हम लोगों ने उनको दिया था। जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोगों के हैं केसी वेणुगोपाल जी, उनसे हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई थी और कहा गया था हम लोगों की कि उनको भी हम लोग अपनी भावनाओं से अवगत कराना है, जो उन लोगों के द्वारा हम लोगों का सुझाव है उनको भी देना है। लेकिन हम लोगों को, चूंकि वो भारत जोड़ो यात्रा अंतिम चरण पर था, उस समय 30 जनवरी को समापन था और हम लोग 26 जनवरी को वहां से वापस आए थे, तो उनसे हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। इस बीच में कल जो कार्रवाई हम लोगों के ऊपर में हुआ है, तो ये पूरी तरह से अध्यक्ष निजी तौर पे हम लोगों को टारगेट करके इस तरह के कार्रवाई किए हैं। ये पहला ऐसा अवसर नहीं है।
कि प्रदेश अध्यक्ष के कार्यशैली पर, प्रदेश अध्यक्ष के काम कार्य काम पर सवाल उठाए गए हों। अगर वो सही मायने में प्रदेश कांग्रेस का भला चाहते तो जो सवाल उठाए गए थे उसमें सुधार की बात करते, या हम सभी से भी बात कर सकते थे, लेकिन जब से वो प्रदेश अध्यक्ष बने हैं एक बार भी हम लोगों से बात करना उन्होंने उचित नहीं समझा। हम कांग्रेस संगठन की मजबूती चाहते हैं, कांग्रेस के बेहतर भविष्य के लिए कुछ बातों को उठाना चाहते हैं, तो ये पहला ऐसा अवसर नहीं था। और इसमें पूर्व के भी कई अध्यक्षों के कार्य प्रणाली पर सवाल उठे हैं, कई समाधान भी हुए हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल करने के उद्देश्य से हम लोगों का जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, हम लोगों की जो पहचान है, सवाल खड़ा करने के उद्देश्य से लोगों के बीच हमारी प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते हैं, इसी उद्देश्य से उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की है। और ये पूर्ण रूप से उनका व्यक्तिगत कार्रवाई है, हम मानते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों जब सदस्यता अभियान कांग्रेस का हो रहा था तो लगभग 45,000 सदस्य, नए सदस्य कांग्रेस से जोड़ने का हम लोगों ने काम किया है। और इसी के को देखते हुए प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में हम लोगों का चयन किया गया था, डेलीगेट हम लोगों को बनाया गया था। अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के डेलीगेट के चुनाव प्रक्रिया में आने वाला है। ये हम लोग डिमांड कर रहे थे कि हम लोगों ने जिस तरह से पार्टी संगठन से लोगों को जोड़ा है, हम लोगों को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का सदस्य बनाया जाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी कई ऐसे लोगों को, गणेश परिक्रमा करने वाले लोगों को स्थान दिया गया है जिन्होंने एक भी सदस्य पार्टी से नहीं जोड़ा है। तो आगे जो है, कई लोगों का संपर्क हम लोगों से कल से आज तक में हम लोगों से किया है, कई लोगों ने, जिसको कि हम लोगों ने कांग्रेस संगठन से, पार्टी से जोड़ने का काम किया है। तो उन तमाम 45,000 सदस्य जो हैं, वैसे लोगों के पास हम जाएंगे, उनसे विचार विमर्श करेंगे और आगे क्या करना है इसका हम लोग फैसला करेंगे। और जो हमारा बातचीत चल रहा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के यहां, उनके कार्यालय से, वो हम आगे जारी रखेंगे, क्योंकि तीसरा पीढ़ी ये हम लोगों का कांग्रेस में है। हमारे दोनों साथियों ने आपके सामने बहुमूल्य विचार रखे हैं। कागज के पन्ने पर कलम की स्याही से ये 6 साल निलंबित कर सकते हैं, लेकिन हमारी रगों में, हमारी खून में, हमारी नसों में कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। 6 साल नहीं, आप आजीवन भी पार्टी से बाहर कर दीजिए, लेकिन यही हमारी अस्थि निकलेगी और इसी कांग्रेस पार्टी में ही हम रहेंगे। ये व्यक्तिगत दुश्मनी साधने का मंच नहीं है। अगर 18 महीने में हमने कुछ सवाल खड़े किए हैं तो आपको अनुशासन कार्रवाई करने के पहले आप हमको बुलाकर एक मौका दे सकते थे, पूछ सकते थे। और ऐसा नहीं है कि आप हमसे मिलते नहीं रहे हैं या आप हमारे से दूर रहे हैं।
ये व्यक्तिगत प्रतिशोध आप निकाल रहे हैं। आपने कहा आपके समर्थकों ने कि हम बोकारो गए थे, हमारे घर के बगल डोरंडा में आप 10 मरतबा गए, सभा किया, कार्यक्रम किया, मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। कार्यकारी अध्यक्ष रहते हुए भी और प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए भी मैंने कहा कभी आपत्ति दर्ज की थी। हमारा गेंद सुप्रीम कोर्ट में है, आदरणीय मल्लिका अर्जुन खड़गे जी के पास हम लोगों ने जाकर अपनी भावनाएं, अपनी गुहार प्रकट किया है और उन्होंने अधिकृत किया है इस पूरे मामले के लिए। इंतजार करना चाहिए था किस बात की, अगर हमारे 3-4-5 लोगों के निकल जाने से पार्टी मजबूत होती है तो आपके इस निर्णय को हम सिरोधार करते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि ये गलत फैसला है। जैसा किशोर जी, छोटू जी ने कहा, हम कई जमाने से, हमने रामेश्वर उरांव जी के भी साथ काम किया, हमने सुखदेव भगत जी के भी साथ काम किया, हमने प्रदीप बालमुचू जी के साथ भी काम किया, हम डॉक्टर अजय कुमार जी के भी साथ काम किए एनएस सिवाय यूथ कांग्रेस की राजनीति के उपरांत, और हम सबने देखा कि कई बार इन प्रदेश अध्यक्षों के खिलाफ लामबंदी हुई, मीडिया में भी बातें गई और देश के कई जगहों पर इस तरह की बातें हुई। प्रदेश अध्यक्ष की कार्यशैली की आलोचना करना अगर पार्टी से निलंबन और निष्कासन है तो पार्टी इससे कमजोर होगी। और जो सवाल हम लोगों ने खड़ा किया है वो सवाल आज भी जीवंत है कि आपको गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के बल पर आरपीएन सिंह जी ने प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी थी, आप उस काबिल तब भी नहीं थे और आपकी मानसिकता आज एक बार फिर दर्शाती है कि आप आज भी उसके काबिल नहीं। वरना जिला अध्यक्षों के मनोनयन में शायद सोनिया गांधी जी ने अपने 22 वर्षों के प्रदेश अध्यक्ष की कमान रहते हुए बगैर महिलाओं के 33% के आरक्षण का एक भी कमिटी अप्रूव नहीं किया था, बगैर दलितों के, बगैर अल्पसंख्यकों के एक भी कमिटी को उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया था। मैं मानता हूं आपने बाद में उसको जरूर किया, लेकिन तब तक साइकिल पंचर हो चुका है आपकी मानसिकता।